कहे राजस्थान प्रभारी श्रीमान रंधावा साहब, उम्र से वैसे वो मेरे छोटे हैं लेकिन सफेद बाल हैं, पंजाब में उनको कोई नहीं पूछता, यहां आकर के जो मर्जी बोलने का उनकी आदत हो गई, अब सांसदों पे आरोप लगा दिया और राज डायरी को जो आप पत्रकारों को उत्सुकता है, राजेंद्र जी गुड़ा लगातार अटैक करते रहे सचिन पायलट की तरह और राजेंद्र गुड़ा को अचानक बर्खास्त किया, इसके बारे में कांग्रेस में हलचल है, विधायक बहुमत विधायक और बहुमत मंत्री इसको गलत मान रहे हैं। अब शांति धारीवाल जो अशांति धारीवाल हैं उन्होंने उनकी डायरी छीन ली और यहां के रफीक अहमद साहब, अरे एक एमएलए दूसरे एमएलए को दूसरे मंत्री को अटैक करे, लाल डायरी में क्रिकेट का सबसे बड़ा घोटाला और उससे बड़े घोटाले एमएलए को खरीद फरोख्त हुए, इन्होंने झूठे आरोप लगाया। गहलोत साहब ने आरोप लगाया, श्रीमान गहलोत साहब माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले खरीदना चाहते हैं। वास्तव में एक नकट्टा किसी गांव में गया, वो अपने नकट्टे नाक पे हाथ रख लिया, नाक कट गया था और कहने लगा तुम्हारी नाक कट गई। तो असल में नाक तो कटी है इनकी, पैसे दिए इन्होंने, वह विधायकों को खरीदा इन्होंने, क्रिकेट एसोसिएशन में गबन किया इन्होंने और पीएचडी का जो लगभग 30,000 करोड़ आया अलग अलग टाइम में, उसमें टेंडर में गड़बड़ी की इन्होंने गवर्नमेंट। अब लाल डायरी का जो मैटर है, आज राजेंद्र गुड़ा जी ने सारा खुलासा किया है, 5,000 करोड़ से ज्यादा लेन देन लाल डायरी में है। वो एक एक चीज नोट करता रहा, मैं भी रोज डायरी लिखता हूं लेकिन मैं अपनी डायरी का खुलासा नहीं करता। डायरी जो नेता या कार्यकर्ता या पत्रकार लिखता है, ये सबसे बड़ी विशेषता, प्रतिदिन की गतिविधियां आ जाती है। तो राजेंद्र गुड़ा को मैं धन्यवाद दूंगा और अगर मेरा साथ लेगा तो मैं साथ भी दूंगा। मैं खुलम खुला कहता हूं, जो कहता हूं खुलम खुला कहता हूं, राजेंद्र गुड़ा ने जो आज खुलासा किया है वो मेरा साथ लेना चाहे साथ दूंगा। मैं खुद क्रांतिकारी आदमी हूं, बोलना व्यक्ति रूप से उतना जितना हम लोग के ऊपर मानहानि केस बनाने का एक नाटक जो चल रहा है, नौटंकी जो चल रही है गहलोत साहब के राज में, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। राजेंद्र गुड़ा को आप लोग हम लोग जो महत्व देंगे, साथ देंगे, तो इनका सारा खुलासा हो जाएगा। अब तक की सारी गतिविधियां इनके श्रीमान गहलोत साहब के लाडलों की गतिविधियां, चाहे राठौर साहब है, चाहे डॉक्टर महेश जोशी है और चाहे धारीवाल साहब है, सबके पोल खुल जाएगी और उनके बेटे हमारे श्रीमान वैभव गहलोत भी। मैं श्रीमान इसलिए बोलता हूं, विधायक कार्य से जुड़ा हूं, विधायक रहा हूं, इसलिए माननीय और श्रीमान बोलना हमारा विधायक कार्य का सबसे ज्यादा शब्द है। महात्मा लग जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।